अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इस वीडियो में हम उन वैल्यूज़ का लीनियर रिलेशनशिप देखेंगे, लीनियर वैल्यूज़ के साथ उनका रिलेशनशिप देखेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इनका रिलेशनशिप क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक रोटेटिंग बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द एक बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। ये जो उसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है, ये है उसका रेडियस। एंड ये जो रोटेट कर रही है, जो वो गोल चक्कर लगा रही है, जो मूवमेंट परफॉर्म कर रही है, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहता है? वो कहते हैं एक बॉडी, एक रोटेटिंग बॉडी जो कि अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द चक्कर लगा रही है, उसका रेडियस, जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। एक रोटेटिंग बॉडी जो कि अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द चक्कर लगा रही है, जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा उसका डिस्टेंस होगा। ये लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप है। अब इसको उन्होंने इक्वेशन के ज़रिए शो किया, एस इज इक्वल टू आर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस इज कॉल्ड लीनियर डिस्टेंस, आर इज कॉल्ड रेडियस एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वेशन को, अब ये जो फार्मूला है जो उन्होंने हमें इक्वेशन दी है, इसको फिल करने के लिए, इसको वैलिड करने के लिए टू कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या हैं? सो फर्स्ट कंडीशन इज लीनियर डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ रोटेशन हैव सेम यूनिट। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो हमारा लीनियर डिस्टेंस है, एस को हमने लीनियर डिस्टेंस बोला है, जो हमारा लीनियर डिस्टेंस है एंड जो हमारा रेडियस है, इन दोनों का सेम यूनिट्स हो। मतलब अगर हमने लीनियर डिस्टेंस को मीटर में लिया है तो आर भी हमारा मीटर ही होना चाहिए। अगर हमने एस को सेंटीमीटर में लिया है, आर भी हमारा सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? वो बोल रहे हैं एंगुलर डिस्टेंस एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। अब वो दूसरी कंडीशन ये बोल रहे हैं कि जो आर है, जो हमारा रेडियस है, उस रेडियस सॉरी एंगुलर डिस्टेंस है हमारा, जो इस ये हमेशा रेडियन में ही एक्सप्रेस होना चाहिए। पहली कंडीशन उन्होंने बोली है कि लीनियर डिस्टेंस और रेडियस का यूनिट सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। एंड सेकेंड कंडीशन ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे। सो अगर आप फार्मूले को देखें, अगर हम एस का मीटर में लें एंड आर का भी मीटर में लें एंड दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रेडियन में लें, तो हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं होगी। हम मैथ में फार्मूला पढ़ते ना, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, वो हमारे वैलिड हो जाती हैं, लेकिन इसमें ये नहीं हो रहा, इसमें चेंज हो रही है। तो हमारी कंडीशंस कैसे फुलफिल होंगी? इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एस को अगर हमने मीटर में लिया है एंड आर को भी हमने मीटर में ही लेना है एंड एंगुलर डिस्टेंस को हमने लिया है रेडियन में, सो अब हम क्या करेंगे कि हमारी ये जो कंडीशंस है ये दोनों फुलफिल हो जाए? उसके लिए हम ये करेंगे, रेडियन को हम डिसअपियर कर देंगे। अगर आपने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी है तो रेडियन की डेफिनेशन ये भी है कि ये कन्वर्जन फैक्टर के तौर पर यूज़ होता है। लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपने ये बात याद रखनी है कि जो रेडियन है, जो रेडियन यूनिट है, वो कन्वर्जन फैक्टर के जरिए कन्वर्जन फैक्टर यूज़ होता है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। हम इसको किसी भी टाइम डिसअपियर कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसको डिसअपियर कर देंगे, हमारा मीटर जो लीनियर डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा रेडियस के और हमारे जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सेम है जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी जो हमारी वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, सेम वही, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी, जितना ज़्यादा रेडियस होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसको उन्होंने इक्वेशन के
शो किया है। सो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। जैसी कंडीशंस हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ी हैं, बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर भी इसकी कंडीशंस पढ़नी है। सेम टू कंडीशंस हैं, लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस, इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एंड देन जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका इसको हमने हमेशा एक्सप्रेस करना है रेडियन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी हमने यही दो कंडीशंस पढ़ी थी कि लीनियर डिस्टेंस एंड रेडियस, उन दोनों का यूनिट सेम होगा एंड जो एंगुलर डिस्टेंस है वो हम रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे। सो यहाँ पे भी सेम वही दो कंडीशंस अप्लाई होगी। सो हम देख लेते हैं कि हम ये कैसे फुलफिल करते हैं। वी को हम मीटर में ले रहे हैं। आपने याद रखना है, अगर वी को आपने मीटर में लेना है देन डेफिनेटली आर को भी आपने मीटर में लेना है। अगर वी को सेंटीमीटर में लेना है देन आर को भी सेंटीमीटर में ही लेना है। सो हम वी को एम में ले रहे हैं। एस एस हमने क्यों लगाया है सेकेंड, बिकॉज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से मूव करती है विद इन टाइम, तो टाइम मस्ट आता है वेलोसिटी में, तो आपने सेकेंड तो मस्ट लगाना है। सो एम ओवर एस, आर का हमने एम लिया एंड देन एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का अभी हमने कंडीशन पढ़ी है कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमने लेना है रेडियन एंड पर सेकेंड, टाइम तो वेलोसिटी के साथ आता ही आता है। सो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, रेडियन को डिसअपियर कर देंगे। अब मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बताया है कि जो रेडियन है ये कन्वर्जन फैक्टर है, हम इसको लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में डिसअपियर कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम इसको डिसअपियर कर देंगे। सो ये भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों जो यूनिट्स हैं वो इक्वल हो गए हैं। सो हमारी जो कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल हो गई हैं। दैट्स इट।